हाय स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम क्लास टेंथ का सेकंड चैप्टर डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क न्यू चैप्टर लेके आ रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, पैरेलल ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन एंड सैटेलाइट, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेटा। व्हाट इज़ द डेटा? डेटा इज रॉ फैक्ट। डेटा इज रॉ फैक्ट। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट होता है। डेटा इज रॉ फैक्ट, ठीक है ना। एक रॉ फैक्ट मीन्स कच्चा मटेरियल। कच्चा मटेरियल जैसे बुक है, तो बुक में बहुत सारा डेटा है, तो पूरी बुक में बहुत सारा डेटा है, ठीक है। अब अगर हम बुक को पढ़ते हैं और आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं इस बुक के अकॉर्डिंग, तो जो क्वेश्चन का आंसर होगा दैट विल बी द इंफॉर्मेशन। तो सिंपल से आप याद रखिए, डेटा इज रॉ फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स। बात करते हैं कम्युनिकेशन। व्हाट इज द कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर यू एक्स शेयर द आइडिया, ओपिनियन, व्यूज विद ईच अदर। जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ अपने आइडिया, अपने विचारों को, अपने नॉलेज को, अपने थॉट्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं, इट मीन्स दैट व्हाट यू आर डूइंग द कम्युनिकेशन विद ईच अदर। आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वही चीज़ आज हम यहाँ पर समझते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले समझते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर हम कुछ लाइनों में लिखना चाहें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या, तो देखिए, जस्ट लिसन, द स्टडी और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट स्पेशली कंप्यूटर्स फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड सेंडिंग आउट इंफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, क्या है? स्टडी और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट स्पेशली कंप्यूटर्स फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड सेंडिंग इंफॉर्मेशन। यानी एकदम कहने का मतलब, कह सकते हैं आप, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, स्टोर करना, सेंड करना, उसको फेच करना, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या आपका आईटी टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी क्या होता है, अनदर पॉइंट इज टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी इज द सम ऑफ टेक्निक, सम ऑफ टेक्निक स्किल्स, मैथड्स एंड प्रोसेसेस यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेस और इन द एकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। टेक्नोलॉजी क्या होती है? सम ऑफ टेक्निक स्किल्स, मैथड्स एंड प्रोसेसेस यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब टेक्नोलॉजी में आपका क्या होगा? स्किल्स, आपके पास कितनी स्किल्स है, क्या टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, किन मेथड्स को यूज कर रहे हैं किसी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। सर्विसेज मतलब सुविधा देना, और गुड्स मतलब आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी सामान बनाते हैं, वो आपके गुड्स होते हैं, ठीक है। तो एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी डिफाइंड टेक्निकली एज ए सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट, इंटररिलेटेड ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे से जुड़े हों, दैट कलेक्ट प्रोसेस। कलेक्ट मतलब डेटा को जो कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस मतलब डेटा को जो प्रोसेस करते हैं, स्टोर मतलब जो डेटा को स्टोर करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, यानी जो डेटा आपका प्रोसेस हो गया, अब वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब लोगों तक पहुँचाना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन, टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डेटा, ऐसा डेटा जिसको आप प्रोसेस्ड कर चुके हो, जिसको आप मैनिपुलेट कर चुके हैं। तो मैनिपुलेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, दैट बिकम्स द इंफॉर्मेशन। जैसे आपने अगर यूपी की हिस्ट्री पढ़ी, तो आपने यूपी की हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको क्या पता चला? यूपी का जो राष्ट्रीय फ्लावर, नेशनल फ्लावर, सॉरी, यूपी का जो मेन फ्लावर है वो कौन सा है?
यूपी का बर्ड्स इस क्या है, ठीक है, आपका यूपी के स्टेट के यूपी की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, तो ये क्या है, दीज ऑल आर द इंफॉर्मेशन, यानी डेटा तो आपके पास पूरा यूपी का, आप यूपी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नीड उन जानकारी उन इन्फॉर्मेशन को आप जहाँ पे यूज करते हैं, उन डेटा को आप जहाँ पे यूज करते हैं, तो वो दैट बिकम्स द इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस्ड डेटा, यानी ऐसा डेटा जिसे आपने मैनिपुलेट किया होता है और मैनिपुलेट करके अपने काम का डेटा निकाल लेते हैं आप, तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस्ड डेटा यानी इन्फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इन एडिशन टू सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग, जब आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हो, उस जानकारी के बेस पे ही आप कुछ डिसीजंस लेते हो, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे आपको कोऑर्डिनेट करना है, कैसे प्रॉब्लम को कंट्रोल करना है, कैसे आप आगे के एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, आगे की कार्यविधि आप कैसे करेंगे, तो जो इन्फॉर्मेशन होता है उन सब सारी चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हेल्प टू मेकिंग डिसीजंस, हाउ टू कोऑर्डिनेट, हाउ टू कंट्रोल, ये पूरा का पूरा आप इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू करते हैं, ओके। थ्री एक्टिविटीज इन एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज नीड टू मेक डिसीजंस, कोई भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, मेक डिसीजंस, कंट्रोल ऑपरेशंस एंड एनालाइज प्रॉब्लम्स, यानी आपको डिसीजन लेने में डेटा की जरूरत, इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी, कंट्रोल ऑपरेशंस, ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्फॉर्मेशन जरूरत होगी, प्रॉब्लम को एनालाइज करना, किसी प्रॉब्लम को समझना, उसके लिए भी डेटा की जरूरत होगी, आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दीज एक्टिविटीज आर इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, यानी अब कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट होता है, तो जो डेटा होता है वो एज ए इनपुट यूज होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम उसको मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट या उसको प्रोसेस करता है, और तब वही आपका डेटा, डेटा इनपुट हुआ, प्रोसेसिंग हुई, उसी डेटा को जब प्रोसेस होकर जो रिजल्ट जनरेट होता है आउटपुट, वो आउटपुट ही आपका इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, डेटा क्या होता है, डेटा आर द रॉ फैक्ट्स, कच्चा माल जिसे कह सकते हैं आप, रॉ फैक्ट्स, कोई भी न्यूज़पेपर अखबार आप पढ़िए तो न्यूज़पेपर या अखबार में जो भी जितना भी डेटा वो सब रॉ फैक्ट है। अब आपने उसमें कह दिया कि आप आईपीएल के बारे में पढ़ रहे हैं या कोई पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ रहे हैं, किसी जॉब के बारे में पढ़ रहे हैं या स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर कोई आप बॉलीवुड या हॉलीवुड की कोई इन्फॉर्मेशन डेटा पढ़ रहे हैं, तो वो जो आप पढ़ रहे हैं दैट बिकम्स इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपने एक रीडिंग प्रोसेस किया, पढ़ने का प्रोसेस फॉलो किया, पढ़ने का प्रोसेस फॉलो के बाद आपको आपको क्या बोलते हैं पॉलिटिकल न्यूज़ मिली, आपकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ मिली, रोजगार की समाचार मिला, तो सारी चीज़ें आपको पेपर से मिली, तो प्रोसेस करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली, जो भी डेटा आपको मिला, वो इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डेटा, यानी ऐसा डेटा जो प्रोसेस किया जा चुका हो, दैट बिकम्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन, व्हाट इज टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाई इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल मीन्स ओवर ए सिग्निफिकेंट डिस्टेंस। टेलीकम्युनिकेशन में आप क्या करते हैं, सिंपली आप मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं या फिर टेलीफोन का यूज करते थे आप, तो उसमें क्या होता टेलीकम्युनिकेशन में, यानी आप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते थे, यानी अपनी बात दूसरों को पहुँचाते थे और दूसरा बंदा आप अपनी बात आपको पहुँचाता था, लेकिन पहुँचाता किसके थ्रू था, कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज होती थी, चाहे वो मोबाइल होती थी, चाहे टेलीफोन होता है, चाहे वो इंटरनेट होता है। तो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन की, यानी टेलीफोन की या मोबाइल की, टेलीकॉम की, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल मीन्स ओवर अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस, यानी एक पर्टिकुलर दूरी पे, जैसे लखनऊ से अम्बेडकर नगर हो गया आपका, या फिर आप लखनऊ से मुंबई हो गया, ये इवन आप अपने घर से लेके विदेशों तक में कुछ कंट्रीज में आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कुछ कंट्रीज में बात अभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। अ कंप्लीट टेलीकम्युनिकेशन अरेंजमेंट इज मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेशंस। देखिए टेलीकम्युनिकेशन जो होता है वो दो स्टेशंस के बीच में होता है,
पहला स्टेशन क्या होता है, दैट इज सोर्स। अनदर वन इज क्या होता है, डेस्टिनेशन। यानी सोर्स मतलब जहाँ से इंफॉर्म, जहाँ से टेली कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा और जहाँ तक होना है लास्ट पॉइंट, यानी जो आपका डेस्टिनेशन होगा। यानी एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। यानी आपने कोई इन्फॉर्मेशन सेंड किया तो दूसरे एंड पे जो रिसीव कर रहा है रिसीवर, तो आपके इसमें क्या हो गए, देर आर टू ऑफ मोर स्टेशन। दो तो होते ही होते हैं मिनिमम, कम्युनिकेशन के लिए दो स्टेशन मस्ट है, और आपके ज़्यादा स्टेशन में हो। यानी एक ही पर्सन कई सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, कई सारे लोगों के साथ एक साथ बात कर सकता है। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर डिवाइसेस, ठीक है, ऐसी डिवाइस जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगी, रिसीवर डिवाइसेस क्या होंगे, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। अ सिंगल को अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कॉल्ड अ ट्रांसीवर। यानी एक ऐसा कोई सिंगल डिवाइस जो रिसीव भी करे और ट्रांसमिट भी, उसको बोलते हैं ट्रांसीवर। यानी ये ट्रांसीवर क्या करता है, ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव करता है। जैसे आपका मोबाइल है, आप कॉल भी कर लेते हो और आप कॉल सुन भी लेते हो, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेस हैं। टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस इंक्लूड्स टेलीफोन्स हो गए, टेलीग्राफ हो गया, रेडियो हो गया, माइक्रोवेव्स हो गए, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन अरेंजमेंट्स हो गए, फाइबर ऑप्टिक्स हो गई। ये सब क्या होते हैं, डिवाइसेस हैं, टूल्स हैं जो टेली कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। सेटेलाइट्स हो गए, इंटरनेट हो गए, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन को भी हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, टेलीकॉम, टेलीकॉम डिपार्टमेंट आप लोग कहते हैं, या टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, टेलीकॉम या टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आर बेसिकली थ्री टाइप्स, तीन तरह की कम्युनिकेशन होती हैं। पहली है ऑडियो कम्युनिकेशन। ऑडियो कम्युनिकेशन में यानी व्हेन एवर यू कम्युनिकेट विद वॉइस मीडियम, यानी जहाँ पे आप साउंड के थ्रू ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उस तरह की जो कम्युनिकेशंस होती हैं वो आपको क्या बोलते हैं, ऑडियो कम्युनिकेशन। यानी आप सिर्फ बोल रहे हो, सामने वाला सुन रहा है, सामने वाला बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, यू आर कम्युनिकेटिंग विद थ्रू वॉइस, ओके। यानी साउंड के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे अगर आप रेडियो, आपके पास सॉन्ग बज रहा है तो आप सॉन्ग सुन रहे हो, ना कि आप देख रहे हो। कोई आपसे टेलीफोन पर बात कर रहा तो आप उसकी आवाज़ को सुन रहे थे, यू आर जस्ट लिसनिंग हियरिंग व्हाट वॉइस, सामने वाले की आवाज़ सुन रहे। तो इस तरह के जो भी कम्युनिकेशंस होते हैं वो आपके ऑडियो कम्युनिकेशंस होते हैं। व्हाट आर वीडियो कम्युनिकेशंस। वीडियो कम्युनिकेशंस रेफर्स टू द रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द पिक्चर और मूवीज। यानी आप वीडियो कैमरा के सामने बैठ के खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, या बैठ के मूवीज़ देख रहे हो, या वीडियो के थ्रू किसी को कुछ मैसेज समझाना चाह रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, वीडियो कम्युनिकेशन। यानी वीडियो कम्युनिकेशन क्या होता है, हम कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले के साथ इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, मूवी क्लिप्स, टीवीज, कैमराज, जो लाइव टेलीकास्ट होता है, या जो टीवी हैं आपकी, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, वीडियो कम्युनिकेशन। यानी आप कुछ दिखा रहे हो, कुछ प्लेइंग ऑब्जेक्ट्स दिखा रहे हो, ठीक है, या उसमें कभी कभी कार्टून्स भी आ जाते हैं। और नेक्स्ट कम्युनिकेशन इज, दैट इज थर्ड वन इज डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन जैसे हमने मैसेज लिख के आपको भेज दिया, आपने हमको मैसेज रिप्लाई कर दिया, हमने आपको ईमेल कर दिया, आपने भी हमको ईमेल कर दिया। यानी डेटा कम्युनिकेशन रिफर्स द ट्रांसमिशन दिस डिजिटल डेटा बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा नेटवर्क इज कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क डेट अलाउ कंप्यूटर एक्सचेंज डेटा। ठीक है ना, आपने मेल कर दिया, मैसेज कर दिया, या फिर आपने फैक्स कर दिया, ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो ये दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं, क्या होता है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन ए सोर्स एंड रिसीवर। ठीक है, ये तो आपको पता हो गया कि जो डेटा कम्युनिकेशन होगा उसमें कम से कम दो लोग तो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कई सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम टू पॉइंट्स तो होंगे। एक सोर्स होगा और दूसरा क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा। यानी
सोर्स होगा जहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, दूसरा क्या होगा जहाँ तक कम्युनिकेशन जाएगा यानी रिसीवर तक, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन इज सेट टू बी लोकल इफ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस आर सेम बिल्डिंग और आर सिमिलरली रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया। अगर जैसे मान लीजिए हम अपने लोकल का मतलब हुआ आपका कि आपने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में ही कॉल कर रहे हैं, अपनी बिल्डिंग से नीचे से लेकर टॉप फ्लोर पर काम कर, ये क्या हो गया आपका लोकल कम्युनिकेशन। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस लोकल कम्युनिकेशन यानी एक रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया, भौगोलिक स्थिति भौगोलिक एरिया में होता है। द मीनिंग ऑफ सोर्स एंड रिसीवर आर वेरी सिंपल, द डिवाइस डैट ट्रांसमिट डेटा, ऐसी डिवाइस जो डेटा को ट्रांसमिट करती है उसको बोलते हैं सोर्स डिवाइस, और द डिवाइस डैट रिसीव्ड ट्रांसमिटेड डेटा इज नोन एज रिसीवर, यानी जो डेटा ट्रांसमिट हुआ है अगर उससे जो ट्रांसमिटेड डेटा को रिसीव करता है तो डैट इज नोन एज रिसीवर। डेटा कम्युनिकेशन एम्स एट ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर आप डेटा कम्युनिकेशन में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करना और डेटा को मेंटेन रखना, कहीं डेटा में कोई प्रॉब्लम, जो जैसी बात जा रही है जैसा मैसेज भेजा जा रहा है सेम वैसे मैसेज जाना चाहिए, ठीक है ना, उसी फॉर्म में हो उसी मैनर में पूरा डेटा वन टू वन ट्रांसफ़र, जैसे मैंने जो शब्द कह रहा हूँ वो सब सेम आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरी ये जो डिवाइस है जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें कहीं कोई ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, ऐसा ना हो। ओके, ये हमारा वीडियो कम्युनिकेशन हो रहा है, हम आपको वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके सिलेबस को या आपके सब्जेक्ट को। नेक्स्ट, तो आपको समझ में आ गया सोर्स मतलब जहाँ से डेटा ट्रांसमिट किया जाता है यानी शुरुआती, रिसीवर जो लास्ट में डेटा को रिसीव करता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। डेटम, डेटम मीन्स फैक्ट्स, वो फैक्ट्स वो तथ्य वो सूचना वो आंकड़े लाइक ड्राइव जो कहीं ना कहीं से कैलकुलेट किए होते हैं या मैनिपुलेट किए होते हैं। कैलकुलेट मतलब उनको सॉल्व किया होता है या वो छांटे हुए आंकड़े होते हैं, उनको प्रॉपर अरेंज किया गया होता है। द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन सो गैदर्ड आर प्रोसेस्ड इज अकॉर्डिंग्स विद डिफाइंड सिस्टम प्रोसीजर, किसी ना किसी फार्मूले के थ्रू उसको सॉल्व किया गया, प्रोसीजर किया गया, फार्मूलेट किया गया हो, तो उस तरह के डेटा को आंकड़ों को इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम डेटम बोलते हैं। ऐसा डेटा जो मैनिपुलेट हो प्रोसेस्ड हो या फिर सॉल्व किए गए आंकड़े हो तो उनको क्या बोलते हैं हम डेटम बोलते हैं, ठीक है। देखिए आइए नीचे फिगर में अंडरस्टैंड करते हैं। द फिगर इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ सिंपल डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन होता कैसे है, आपने डेटा इनपुट किया, ट्रांसमीटर ने क्या किया उसको आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में माइक्रोवेव फॉर्म में यानी उसको एक ट्रांसमिटेड सिग्नल में कन्वर्ट किया। ट्रांसमिटेड सिग्नल जैसे आप वायर यूज कर रहे हैं, तार यूज कर रहे हैं, तो तार के उसमें वो मीडियम हो गया, जैसे कोएक्सियल केबल हो गई या आपकी कोई भी केबल हो गई, डिस्क केबल होती है आपकी या टेलीफोन केबल होती, तो वॉइस आपने डेटा इनपुट किया, वो डेटा क्या हुआ ट्रांसमीटर के थ्रू क्या हुआ ट्रांसमिटेड सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, और ट्रांसमिटर सिग्नल के थ्रू वो क्या हुआ ट्रांसमिशन मीडियम में, मीडियम मतलब वायर, चाहे वो कोएक्सियल केबल हो गई या आपकी जो डिश टीवी डिश केबल होती है या फिर आपकी टेलीफोन केबल होती है, वो क्या हुआ उस केबल के थ्रू सिग्नल आपका पास हो रहा है। अब कहाँ गया रिसीव्ड सिग्नल, सिग्नल दूसरे एंड पे रिसीव हुआ। अब रिसीवर ने क्या किया कि जो ये डिजिटल सिग्नल था वापस इसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल जो आदमी जिस चीज़ को समझ सके उस फॉर्म में ये रिसीवर कन्वर्ट करता है, वो आउटपुट आता है और यहाँ पे जो दूसरा ह्यूमन बीइंग है पर्सन है वो क्या करता है उसको समझता है। यहाँ पे वही ह्यूमन बीइंग है वो अपनी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन को पास करता है, ट्रांसमीटर उसको कन्वर्ट करके एक ट्रांसमीटर सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वो ट्रांसमीटर सिग्नल कन्वर्ट होकर वो किसी भी केबल के माध्यम से या फिर वायरलेस के माध्यम से, ठीक है ना, वाईफाई जिसे कहते हो आप या वायरलेस कम्युनिकेशन बोलते हैं या ब्लूटूथ होता है, उसके माध्यम से डेटा आपका ट्रांसमिट हुआ और रिसीवर एंड पे पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में कलेक्ट डेटा फ्रॉम रिमोट लोकेशंस। अब बात करते हैं जब डेटा कम्युनिकेशन में आता है तो डेटा तो एक जगह होता नहीं है,
डेटा क्या होता है, कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। जैसे आपका कोई फ्रेंड है लखनऊ में, एक फ्रेंड आसाम गुवाहाटी में, एक फ्रेंड दिल्ली में है, एक फ्रेंड गोरखपुर में है, तो अलग अलग फ्रेंड्स अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन आप उन फ्रेंड के साथ कैसे कनेक्टेड कैसे हैं, थ्रू मोबाइल फोन्स, थ्रू इंटरनेट। तो आप क्या हैं, उन फ्रेंड से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में कलेक्ट डेटा फ्रॉम द रिमोट लोकेशंस। इसी तरीके क्या होता है, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, एक इनका एक सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट में सभी सिस्टम क्या हैं, कनेक्टेड हैं। सभी सिस्टम क्या है, कनेक्टेड, यानी ये एक अलग लोकेशन, ये लोकेशन L1 है, ये लोकेशन L2 है, ये लोकेशन L3 है, ये लोकेशन L4 है, ये L5 है, ये L6 है। अब अलग अलग लोकेशन से आप L2 को अगर डेटा लोकेट करना हुआ तो ये रिक्वेस्ट करेगा, ये आप मान लीजिए एक सेंटर पॉइंट, जिसे बोलते हैं हम लोग सर्वर, क्या बोलते हैं, सर्वर। इस सर्वर, ये L2 ने सर्वर से डेटा रिक्वेस्ट किया। अब इस सर्वर के पास मान लीजिए वो डेटा नहीं है, तो वो किससे एक्सेप्ट कर सकता है, L5 से, ठीक है। ये L2 को L5 से कम्युनिकेट करना है, L2 डायरेक्ट L5 से नहीं कम्युनिकेट करेगा, ये क्या होगा, सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर एक कम्युनिकेशन क्रिएट करेगा जो L5 से L2 को कनेक्ट कर देगा। यानी ये अलग अलग लोकेशन पे सिस्टम्स हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके। ये होता है आपका रिमोट, जिसे कहते हैं रिमोट लोकेशंस एक्सेसिंग या प्रोसेसिंग, ठीक। तो अब बात करते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, क्या क्या कंपोनेंट हैं, क्या क्या पार्ट हैं, किसके, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के। डेटा कम्युनिकेशन समझ में आया ना सभी को, डेटा कम्युनिकेशन मतलब डेटा का लेना देना, डेटा को देना और किसी से डेटा को लेना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ डेटा थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम। जब भी सिस्टम की बात आती है तो वहाँ पे हम कंप्यूटर सिस्टम। अब आपको कंप्यूटर सिस्टम से डेटा लेना है और दूसरे सामने वाले को देना है, जस्ट एक्सचेंजिंग, यू आर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब एक ले रहे हो दे रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। तो कौन कौन से कम्युनिकेशन सिस्टम के कौन से पार्ट हैं, कंपोनेंट हैं। पहला है मैसेज, मैसेज मतलब इट इज़ द इंफॉर्मेशन और डेटा टू बी कम्युनिकेटेड। यानी मैसेज क्या है, जो वो डेटा या वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें कम्युनिकेट करना है, किसके साथ, किसी दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है। इट कैन बी टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर, साउंड, वीडियो, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दिए, व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड को इमेज शेयर कर दिए, व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को कोई मैसेज टाइप कर दिए, तो क्या हुआ, वीडियो टाइप किया, वीडियो सेंड किया आपने, टेक्स्ट भेजा आपने, इमेज भेजी, फोटो भेजा, ये क्या है, ये मैसेज है। ये आपको क्या करना है, भेजना है या ट्रांसमिट करना है, किसको, फ्रेंड के साथ शेयर करना है। सेंडर, सेंडर आप हो गए। यानी इट इज़ द डिवाइस और कंप्यूटर दैट जनरेट्स एंड सेंड द मैसेज। अब आपका मोबाइल यूज हो रहा है या आपका लैपटॉप यूज हो रहा है, तो आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल क्या हो गया, सेंडर हो गया। सेम रिसीवर होगा, मैसेज जो आप भेजेंगे वो किसी न किसी मोबाइल पर रिसीव होगा या फिर किसी न किसी कंप्यूटर सिस्टम पर रिसीव होगा, तो वो भी आपकी क्या होगी, इट इज़ अ डिवाइस और कंप्यूटर दैट रिसीव द मैसेज। द लोकेशन ऑफ रिसीवर कंप्यूटर इज जनरली डिफरेंट फ्रॉम द सेंडर कंप्यूटर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ नेटवर्क यूज बिटवीन देम। अब सेंडर और रिसीवर के बीच जो डिस्टेंस है या डिस्टेंस के बेस पे कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, वो कितनी दूरी पे हैं, किस टाइप के नेटवर्क यूज कर रहे हैं, वो अभी बात की बात है, वो बाद में समझेंगे। पहले आप ये समझिए, आपने मैसेज डिसाइड किया क्या मैसेज सेंड करना है, तो जो सेंड करेगा दैट विल बी द सेंडर, जो रिसीव करेगा दैट विल द रिसीवर। अब अनदर पॉइंट इज मीडियम, माध्यम, जो मैसेज है वो जाएगा किस माध्यम से, तो जिसे बोलते हैं चैनल, तो फिजिकल पाथ होगा। फिजिकल पाथ मतलब तार के साथ जुड़ा होगा दूसरी डिवाइस या फिर दूसरी डिवाइस वायरलेस होगी, किस थ्रू। फिजिकल पाथ का मतलब कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तार जुड़ा हो, जैसे टेलीफोन पहले होते थे पुराने टाइम में तो वायर होता था, वायर से वायर कनेक्ट होते, तो वो होता था आपका क्या होता था, फिजिकल पाथ। आज की डेट में क्या हो रहा है,
आप अपने एक फ्रेंड के मोबाइल पे नेट ऑन कर रहे हैं, हॉटस्पॉट ऑन कर दे रहे हैं, दूसरा फ्रेंड आपके मोबाइल से हॉटस्पॉट के थ्रू आपके इंटरनेट को शेयर कर रहा है। तो जब आप हॉटस्पॉट ऑन करते हो, आपका फ्रेंड नेट शेयर करता है, तो उसमें आप तो अपने मोबाइल को तार से दूसरे मोबाइल को कनेक्ट नहीं किए ना। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है ये क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है ना। यानी एक जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, वो वायरलेस मैकेनिज्म यूज हो रहा है, ठीक है ना, बिना तार के डेटा का ट्रांसफर हो रहा है। तो मीडियम में क्या हो सकता था, मीडियम कैन बी वायर्ड लाइक ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, या ये कोएक्सियल केबल ये भी एक वायर होता है, फाइबर ऑप्टिक्स ये भी आपका पूरा लाइट इफेक्ट पे काम करता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स, या वायरलेस लाइक लेजर, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, ठीक है, ये मीडियम हो गया। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, बोथ सेंडर एंड रिसीवर फॉलो सेम प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इसका मतलब है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स। अब आपको मैंने इसमें बताया था, ये आपने इमेज देखी, इस इमेज में अब इनपुट अगर यहाँ पे टेलीफोन है, यहाँ पे टेलीफोन है, तो दोनों सेम है, दोनों के पास सेम मैकेनिज्म होगा। यानी इन देखिए सेट ऑफ रूल्स का मतलब क्या होता है, अगर मुझे इंग्लिश आती है आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे, या तो फिर आपके बीच में कोई एक ट्रांसलेटर मैं लगा दूं जो मेरी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको समझाए हिंदी में आपकी भाषा में। तो सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन पास होगी किस फॉर्म में होगी, कितनी लेंथ होगी, क्या कोडिंग मैकेनिज्म होगा, कैसे सिग्नल कन्वर्ट होंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल या वायरलेस सिग्नल कैसे मैसेज की फॉर्म में या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होंगे, तो वो क्या होते हैं, सम सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी मैसेज को पास होने में, कैसे वो एक सेंडर से रिसीवर तक पहुंच रहा है, क्या मैकेनिज्म, क्या मेथडोलॉजी यूज हो रही है सेंडर के एंड पे एंड रिसीवर के एंड पे। तो प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा ट्रांसमिशंस। तो स्टूडेंट्स अब हम ये पॉइंट अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ अपने दोस्तों जो क्लास टेंथ में है या फिर जो आपके और फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।